मैं फरहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन मीडिया बुक। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए कि हमारी बात आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। और आज हम बात करने वाले हैं बंदीपुर के बारे में। बंदीपुर सबसे अच्छे से कोई अगर आपको समझा सकता है तो वह है शरियार खान। शरियार खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बंदीपुर के बारे में आपसे इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपका वहाँ फार्म हाउस है और आप महीने में कम से कम 3-4 दिन तो वहाँ गुजारते हैं। मैं वहीं का रहने वाला हूँ जी। तो अब ये है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी लास्ट वीक पता चला कि टाइगर ने एक गांव वाले को उठा कर ले कर चला गया, तो क्या एक्चुअली हुआ था वो? क्योंकि शायद मैंने सुना कि लोगों ने अंदर कुछ टेम्पल बना दिया जहाँ की वाइल्ड लाइफ के अंदर, वहाँ लोगों को जाना मना है। मेरा जो फार्म है वहाँ से एक किलोमीटर दूरी हादसा हुआ जी। वहाँ अक्सर फरहान साहब, एक टेम्पल छोटा सा पत्थर था, अभी वहाँ विलेजर्स एक टेम्पल बना चुके हैं। वो टेम्पल बनने के बाद क्या हुआ है, लोग ज्यादा क्राउड आना शुरू हो गया। अच्छा, एनीवेज ये उसके लिए नहीं हुआ। तो गांव के लोग आते हैं या फिर गांव के लोग आते हैं? गांव के, और कुछ टूरिस्ट भी आ जाते हैं, लोकल्स लेके आ जाते हैं उसको। हुली अम्मा टेम्पल मतलब टाइगर मदर। तो कुछ सेफ्टी नहीं है गवर्नमेंट से कि कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है कि आराम से जाए अपना पूजा करके वापस आ जाए? नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल सामने तालाब है, उसको बैरन कट्टे कहते हैं। वो तालाब में हाथी आते हैं, शाम को गए तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बट वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्योंकि वो जो लैंड है उसको पट्टा लैंड कहते हैं। मतलब यू कैन ओन उसके करीब करीब, यू कैन ओन लैंड, इट इज नॉट प्रॉपर फॉरेस्ट लैंड। अच्छा, तो ये आदमी जो था शिवलिंग, इसका नाम है, ये मेरा नेबर का साला। अच्छा, मैं उसको एक दो बार मिल चुका हूँ शायद। ये दो गाय, ये क्या कहते हैं उसे, बैल लेके जा रहा था। अच्छा, 5 बजे से शायद, वहाँ के जो लोग मुझे शाम बोले, वहाँ के जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स एंड लोकल्स नेचुरलिस्ट जो मुझे बोले, तो ये रस्सी को, जो बैल की रस्सी को ऐसे घुमा के पकड़ा था। दिस टाइगर वॉज सिटिंग ऑन द रोड साइड। अच्छा, ये कहते हैं कि बड़ा बहादुर था। वहाँ के लोग सभी बहादुर हैं, दे नो हाउ टू लीव, हाँ, डरते नहीं। वो पत्थर लेके वो टाइगर को मारा, तो टाइगर चार्ज, टाइगर टाइगर है, चार्ज किया, तो ये जो बैल भाग गए, तो ये गिर गया क्योंकि वो छोड़ नहीं सका, रस्सी हाथ पे थी। अच्छा, गिर गया तो एनिमल का इंस्टिंक्ट ये है कि जब कोई नीचे गिर के तड़प रहा हो तो उसके ऊपर कूदते हैं। तो टाइगर है जंप डाउन हिम, किल्ड हिम। अच्छा, अब उसका हाथ देखिए, बड़ा ग्रूसम है, ऐसे रखा है टाइगर को दूर करने के लिए शायद, उसको उसके दो भी पैर खा लिया। नेक्स्ट डे ये बैल तो घर चले गए, उनके फैमिली के लोग परेशान होकर ढूंढने आए, तो 1 किलोमीटर जहां से किल किया था वहां से 1 किलोमीटर दूर अंदर उसकी बॉडी मिली। अच्छा। दोनों पैर नहीं थे, एक पाँव थोड़ा नहीं था, एक पाँव तो पूरा नहीं था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मुझे नहीं मालूम क्यों ये लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जानते हैं, इनको ना पैशन है ना इनको कुछ मालूम है, डरते हैं बहुत। वो पैर भी ढूंढने की कोशिश नहीं करे। वहाँ के लोग भी जब बोल रहे थे, सर ये लोग इतने डर गए देख के वो बॉडी को, जिस कदर से बॉडी गिरी थी कि ये पैर भी ढूंढे भी नहीं। फिर क्या हुआ मुझे मालूम हुआ, तो मैं भी गया, देखेंगे क्या हेल्प हो सकता है इनसे। जिस दिन मैं गया उधर, हमारे फार्म में ही वो गाय को मारा था टाइगर। हम जाके इमीडिएटली मालूम हो जाती है जंगल में न्यूज़, तो हम जाके तो उसी स्पॉट पे था जो गाय को मारा था। नहीं, ये थोड़ा 1 किलोमीटर दूर था, इस तरफ था, ये मेरे फार्म से और करीबी समझे, मेरे फार्म में ही बिल्कुल। तो हम लोग जाके देखे गाय और जिंदा थी, तभी मार के गया था टाइगर। अच्छा, तो हम लोग देखे, फिर फॉरेस्ट वालों को इन्फॉर्म किए, फिर नेक्स्ट डे फॉरेस्ट वाले आए, कैसा मालूम आपको, दसरा का प्रोसेशन, दो हाथियां। अच्छा। क्या नाम, पार्थ सारथी और गणेश, बड़े बड़े हाथी, दो टस्कर्स, 3 जीप, 20 लोग गन के साथ। वो गन ऐसे हैं, एयर गन जैसे हैं, वो गन वो चलते हैं भी। इनके पास आपको क्या लगता है ये प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इक्विपमेंट है? बेचारे लोग जो आला ऑफिसर्स फॉरेस्ट के हैं वो तो दिखते भी नहीं मुझे, जो ग्राउंड लेवल पे हैं बहादुर लोग हैं पाम, लेकिन इनके पास वो इक्विपमेंट नहीं दिए लोग। डबल बैरल गन्स, राइफल्स देना चाहिए ना, मैनेटिंग टाइगर से डील कर रहे हैं आप। और ये 60 साल 70 साल में मुझे लोग कहते हैं कि फर्स्ट टाइम मैनेटिंग टाइगर का फिनोमेना हुआ है। जिसमें एक इंटरेस्टिंग टेल क्या है, वहाँ के लोग बोलते हैं कि सर हम यहाँ के टाइगर्स को जानते हैं, आज तक हम तो हमला नहीं करे, ये ट्रांसलोकेटेड टाइगर है, ये टाइगर कहीं मिस्चिफ कर रहा था सत्यमंगलम घाट जो बिल्कुल नेबरिंग में है, वहाँ किसी को मारा होगा, ये गपचुप लाके इस टाइगर को यहाँ छोड़ दिए हैं, ये हमारा टाइगर नहीं है। ये यूनानिमसली वहाँ के 3 विलेजेस, जखड़ली, मंगला, एलचट्टी, 3 विलेजेस के लोग मुझे आके बोले कि साहब ये हमारा टाइगर नहीं है, ये टाइगर ट्रांसलोकेटेड टाइगर हो सकता है, क्यों सच भी हो। तो लेकिन ये तो रेगुलर बेसिस पे जो काउंटिंग होती है उससे पता नहीं चलता है कितना पॉपुलेशन है अभी वहाँ। बंडीपुर में लास्ट काउंट में थे 105 टाइगर्स, 850 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जी। एक ब्लॉक है ऐसा, तो
पूरा हमारा नीलगिरीज का जो जंगल है तमिलनाडु केरला और कर्नाटका का श्रीलंका से बढ़ के है, 24,000 स्क्वायर किलोमीटर कुछ है बंडीपुर का जो ब्लॉक है, फिर बाजू मद्दूर ब्लॉक है, केरला का जंगल है सत्यमंगलम 850 स्क्वायर किलोमीटर से, उसमें अब शायद 130 टाइगर है। मतलब पहले क्या होता था 20 स्क्वायर किलोमीटर को एक टाइगर होता था, अभी 8 और शायद अब 5 हो गए हैं। इसलिए भी हो सकता है कि ये टाइगर जो आदमी को मारा कि ही मस्ट हैव फॉट विद अनदर टाइगर, रेजिडेंट टाइगर जो नया आया है, जो रिग्रेस है, इसे लड़ा होगा, ये गुस्से में आके लड़के हार के आके बैठे रहेगा, वो फॉल मूड में होते हैं ना, गुस्से के मूड में होते, तब ये पत्थर लेके मारा है बेचारा, इस पे वो टूट पड़ा। तो अभी जो फॉरेस्ट में कुछ दिन पहले 3-4 महीने पहले जब आग भी लगी थी बंदीपुर में, तो उस सारे चीज़ों के ऊपर आप लोग कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं शरियार भाई कि इसको कैसे ठीक किया मैं जाए? बहुत लोगों को ले जाके वहाँ इक्विपमेंट्स दिया जी। फरहान साहब, ये लोग गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इतना बात करती है फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के बारे में, फॉरेस्ट हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारी वेल्थ हैं, उधर पानी भी नहीं मार सके लोग, झाड़ तोड़ के झाड़ू से अंगार को बुझा रहे और बाद में छोड़ दिए, आधा जंगल खाली अंगारों, किसी को मालूम भी नहीं हुआ। फिर वो फॉरेस्ट मिनिस्टर अच्छा आदमी था झारकी होली, वो हेलीकॉप्टर में लाए पानी और पानी को उसको स्प्रे किया तो थोड़ा थम गई और फिर रुक गई, लेकिन बहुत डिवास्टेशन हुआ। तो अब जो ये डैमेज हुआ है इसको फिर से ठीक करने के लिए कुछ काम शुरू हुआ है? ठीक तो हो गया हाँ। क्योंकि कुदरत है, बारिश आके ठीक हो गया हाँ। फॉरेस्ट वाले भी कुछ प्लांटिंग करे, लेकिन ये लोग बैडली पोअरली इक्विप्ड है, इनको नॉलेज नहीं है। मैं ऊपर के ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल के लोगों के पास इक्विपमेंट नहीं है, बंदूक नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है फरहान साहब, ऐसे घूमते रहते हैं हाथ में लकड़ी लेके उस खतरनाक जंगल में। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंटरवीन करके इनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो चलिए एक दिन हम लोग IMB टीम आपके पास आएगी और देखेंगे कि आपका जंगल देखने में कैसा लगता है। थैंक यू सो मच गिविंग इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।